Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button, and get all the new videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तमाम हाजरीन का शुक्रिया आने का फिर आज बड़े सवाल आते हैं एक गुजारिश ही है कि जब मुझे आप सवाल भेजते हैं व्हाट्सएप से या ईमेल के जरिए तो ये ध्यान में रखें कि आपसे पहले कई सवाल जो हैं वो क्यू में है यानी लाइन में है जब बारी आएगी तो मैं जवाब दूंगा और जाहिर है जो पहले भेज चुके हैं उनका टर्न पहले आना चाहिए तो इंतज़ार करें जुमेरात को देखते रहें लेसन्स ऑफ लाइफ आपका जब नंबर आएगा आपके सवाल का जवाब दे दूंगा पहला सवाल है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर क्या शक करना अच्छी आदत है मैंने महसूस किया है कि शक करना अच्छी आदत है इसमें शक की बात नहीं इसमें मैं शक की बात नहीं कर रहा जो आमतौर पर हमारे माशरे में किया जाता है जैसे शक करना चाहिए वहाँ करना नहीं है और जहाँ शक नहीं करना चाहिए वहाँ दिल खोल कर करते हैं दरअसल हम लोग जज्बात में आकर शक करते हैं अगर हम फटे दिमाग से पूरे होशो आवाज में आकर शक करें तो फिर तहकीक करें कि हकीकत क्या है तो शक के ज़रिए बहुत से फ़ायदे उठाए जा सकते हैं आखिर जासूसी टीम्स भी तो शक करती है अगर वो शक ना करें तो मुजरिमों को कभी ना पकड़ पाएंगे सर शक के बारे में आपके बारे में क्या राय है सैयद दानिश अली साहब बैठे हैं यहाँ पर दानिश लफ्ज़ शक को समझना बड़ा ज़रूरी है शक लफ्ज़ जिस ज़ुमरे में आता है वो एक ज़हनी बीमारी है या इंसान के अंदर कमज़ोरी है कि वो बिला वजह शक करना अब आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते कि कौन सी वजह बिला वजह होगी या कौन सी वजह ज़रूरी वजह होगी इसमें लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते शक जो आदमी करता है या जो शख्स करता है वो हर एक पे शक करता है टोटैलिटी जनरल में सब पे शक करता है बीवी पे भी करेगा शौहर पे भी करेगा बच्चों पे भी करेगा पड़ोसी पे भी करेगा उसने मुझे उस तरह देखा उसको शक होगा पता नहीं क्या बात है क्यों मुझे उस तरह देख रहा है या दो लोग बात कर रहे होंगे वो शक करेगा मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक नफ्सियाती बीमारी है और इवेंचुअली आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है प्रॉपर डिसऑर्डर हो जाता है जिसके बाद दवाइयाँ और इलाज मालिश ज़रूरत होती है जहाँ आपने मिसाल दी जासूसी की डिटेक्टिव की पुलिस की तो वहाँ शक उस तरह से नहीं होता जब कोई केस सामने होता है उस केस के ऊपर दो तरीके से देखा जाता है बाहर मुल्कों में इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी यानी एक शख्स बेगुनाह है जब तक उसका जुर्म साबित ना हो तो वो तलाश करते हैं जुर्म को मगर शख्स को बेगुनाह समझते हुए जुर्म की तलाश करते हैं हमारे यहाँ गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट तो यहाँ उल्टी गंगा बहती है कि यहाँ हर आदमी जो है उसके ऊपर शक किया जाता है जब तक वो सबूत ना दे या जब तक इनको सबूत ना मिले तो ये जो डिटेक्टिव एजेंसीज या जासूस या ये जो काम है ये बेसिकली इनकी तरबियत इस तरह होती है कि अगर आपको किसी मसले को हल करना है किसी चीज़ को फाइंड आउट करना है तो वो स्टार्ट जो है वो नो से करते हैं या मगरिब में नो से करते हैं पाकिस्तान में हाँ से करते हैं दोनों तरीके अपनी अपनी जगह पर ठीक है मगर इंसानियत के हवाले से और इंसानी हुकूक के हवाले से हर शख्स इनोसेंट है अनटिल प्रूवन गिल्टी ये होना चाहिए हर सेहतमंद माशरे में कि किसी शख्स पे बिला वजह जब तक इल्ज़ाम साबित ना हो उसे मुजरिम या मुल्ज़िम ना समझा जाए तो शक जो है वो सही बात नहीं है क्योंकि शक शुरू होता है और आगे जाके बीमारी की शक्ल लेता है दूसरा सवाल ज़ुबैर बाटवा साहब अस्सलाम वालेकुम साहब सर आई हैव रेड दैट आवर सबकॉन्शियस माइंड इज 95% एंड आवर कॉन्शियस माइंड इज 5% इफ दिस स्टडी इज ट्रू How do we repair our subconscious mind which is loaded with bad memories and lots of junks? How do we heal our subconscious mind? Kindly design a one-day workshop on subconscious mind and if we do that, please let me know. Thank you, Zubair. Masla sara ye hai ki subconscious mind ki repairing ek din mein nahi ho sakti. Kareeb tareen program jo subconscious ko kisi tarah aapke conscious control mein leta hai, wo silva hai. Ab samjhe ye kya cheez hai. कॉन्शियस शऊर उसके नीचे एक लेवल होता है जिसे सब कॉन्शियस कहते हैं सब का मतलब है बिलो अंडर नीचे जिसे सब मरीन पानी के अंदर पानी के नीचे तो सब मरीन नाम दिया गया सब कॉन्शियस के पास 100% ताकत होती है पूरी 100% क्यों जितने आपके हवास काम करते हैं आंखें देखती है नाक सुनती है जबान चखती है हाथ छूते हैं कान सुनते हैं वो तमाम मालूमात कंटिन्यूसली सब कॉन्शियस को आ रही होती है
कॉन्शियस को सिर्फ वो मालूमात मिलती है जिसपे आपकी अवेयरनेस हो, अटेंशन हो, ध्यान हो, तवज्जो हो। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी चलाते हुए किसी से बात कर रहे हैं, आपके साथ कोई दोस्त बैठा है, रोड पे आपकी नजर है, मगर एक तवज्जो आपकी बढ़ जाती है बातों में, मगर उसके अलावा जितने रास्ते में बिलबोर्ड गुजरे, रास्ते में जितनी गाड़ियां गुजरी, कोई मोटरसाइकिल वाला गुजरा, उसने किस कलर के कपड़े पहने थे, वो तवज्जो आपकी उसमें नहीं है, मगर वो सबकॉन्शियस में सारा रिकॉर्ड हुआ है। सबकॉन्शियस की मेमोरी अनलिमिटेड है, कॉन्शियस की लिमिटेड है, कॉन्शियस की मेमोरी लिमिटेड है, सबकॉन्शियस की अनलिमिटेड मेमोरी है। तो सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम सबकॉन्शियस में जाते हैं उस वक्त हम अनकॉन्शियस होते हैं। सुनिएगा ये बात, रात को हालत नींद में जब हम ख्वाब देखते हैं तो हम सबकॉन्शियस से ख्वाब आते हैं हमें, हमारे सब में जो दिन भर के वाकयात होते हैं। एक खातून ने आज मुझे एक मैसेज भेजा, मैंने मना किया था, मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सारे सवाल है, मगर चूंकि ये सवाल का ताल्लुक सबकॉन्शियस से है तो मैं जब, उन्होंने कहा मैं कई दिन से ख्वाब देख रही हूँ कि मैं ख्वाब में अपने आप को बरहाना देखती हूँ बगैर कपड़ों के। अच्छा, बरहाना अपने आप को देखने का मतलब ये कि आपको कोई खौफ है आपकी इज्जत पे कोई बात आएगी या कोई रुसवाई होगी या कोई काम ऐसा है जिसके वाले से आपको डर लगता है या लोग आपके बारे में बातें करते हैं, तो ये ख्वाब में आपको ये खौफ आता है। तो सबकॉन्शियस में जितने परेशानी, जितने मसाइल, प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है आपकी, वो तमाम की तमाम ख्वाब की शक्ल में आती है। अब सबकॉन्शियस जब एक्टिवेट होता है उस वक्त आप अनकॉन्शियस होते हैं, यानी नींद में होते हो, तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो दो प्रोग्राम ऐसे हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं सबकॉन्शियस को एक्सेस करने में, यानी उस सबकॉन्शियस वाले कंप्यूटर या हार्ड डिस्क में जाके मालूमात निकालने का। एक फोर डायमेंशन है, एक सिल्वा है। सिल्वा चूंकि तीन दिन का है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, फोर डायमेंशन लेवल वन वन दिन का है तो थोड़ा सा कम इफेक्टिव है, मगर इफेक्टिव है। पैसे के हवाले से चूंकि फोर डायमेंशन सस्ता है तो वो कर लेते हैं लोग। अब दोनों में सबकॉन्शियस के अंदर पहुंचते हैं और वहां से मालूमात आपको निकलती है, ख्वाब की सूरत में निकलती है, आपको अपने बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो मल्टीपल चीजें हैं, तो ये एक दिन का काम नहीं है भैया, अगर एक दिन का है तो फोर डायमेंशन से अच्छा कोई वर्कशॉप नहीं है। जब इंसान मराठवा करता है, मेडिटेशन करता है, तो मेडिटेशन का पर्पज यही है कि आहिस्ता आहिस्ता कॉन्शियस माइंड को टेम किया जाए और इतना टेम किया जाए कि जब उसके अंदर उसकी अपनी आवाज बंद हो जाए तो नीचे की आवाज ही ऊपर आए। कुरान पाक में आई थिंक सूरह ताहा है शायद, उसमें एक आयत का आखिरी लफ्ज है हमसा, उस पर हम कई दफा मेडिटेशन करा चुके हैं। हमसा के बारे में कहते हैं कि जब कयामत होगी या एक वक्त आएगा जब कुछ नहीं होगा, कोई आवाज नहीं होगी सिवाय एक आहट के, यानी अल्लाह ताला की मौजूदगी का जिक्र, एक आहट होगी अल्लाह ताला की। तो ये उस वक्त आहट होती है जब आपकी अपनी आहट बंद हो जाए। जब तक आपके कान सुनते रहेंगे और अंदर आपकी आवाजें बंद नहीं होगी तो तहते शऊर की आवाजें, उसके नजारे, उसकी मालूमात आपको नहीं पहुंच सकती। नेक्स्ट सवाल, एज यूजुअल आज एक और भी बस दो हो गए शुक्र। अच्छा जी, अच्छा ये हजरत सुलेमान भाई, फौजान साहब बैठे हुए तशरीफ लाए, प्लीज डिस्क्राइब बरमूडा ट्रायंगल। नाउडेज सम पीपल लिंक बरमूडा ट्रायंगल विद काना दज्जाल, व्हाट इज द एक्चुअलिटी? बरमूडा ट्रायंगल के नाम भी सुना होगा आपने, कई इसके बारे में मिथ है, जहाज गायब हो गए वगैरह वगैरह। दूसरा इनका सवाल है, इन द टाइम ऑफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्स वर प्लेइंग वेरी एक्टिव रोल एंड दे वर ऑफन यूज्ड टू अकम्प्लिश डिफिकल्ट टास्क, बट नाउडेज दे आर रिमेनिंग इन द ओल्ड मैनर स्टोरीज। His mind sciences help us to recognize them or use them as per requirement. Bermuda Triangle के बारे में अभी myth है, अभी theory है, इसके ऊपर Discovery Channel वगैरह मुख्तलिफ scientific channels में बड़ी documentaries बनी है, किसी को ये नहीं पता कि ये क्या। मेरे गुरु जी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने एक दिन बैठे बैठे मुझे कहा था कि कोई ऐसी force है जमीन में, पानी के नीचे तो जमीन है, वो कभी कभी एक्टिवेट होती है किसी वजह से, और इतनी ज्यादा एक्टिवेट होती है कि वो सक्शन पंप की तरह, वैक्यूम क्लीनर की तरह वो सक करती है। तो जो चीज भी उस एरिया में होगी उसको वो सक कर लेती है, और इतनी बुरी तरह सक कर लेती है कि वो बिल्कुल समंदर के अंदर की जो जमीन है उसमें चली जाती है। क्योंकि अक्सर ये कहा गया है कि अगर सिर्फ कोई चीज गिरी हो तो समंदर पे उसके कपड़े चीजें तैरती भी नजर आए, कोई चीज नजर नहीं आती। तो एक थ्योरी है,
दूसरी थ्योरी है ऑल्टरनेट डायमेंशन की, यानी एक और डायमेंशन है जिसका कोई पर्दा खुलता है, जिसका कोई दरवाजा खुलता है स्पेस में, और वो चीजें वहां चली जाती, दरवाजा बंद हो जाए, इसलिए आपको कोई निशान नहीं मिलता। अब ये जो ऑल्टरनेट डायमेंशन या पैरेलल डायमेंशन, इसकी थ्योरी पे बड़ा काम हो रहा है। मसलन पैरेलल डायमेंशन क्या है, हम यहाँ इस वक्त बैठे हैं क्लिफ्टन में, कराची शहर, पाकिस्तान मुल्क, टाइम 7:10 हुआ है, और इसी तरह हम किसी और भी यूनिवर्स में बैठे हैं, क्योंकि हर लम्हा जो गुजरता है वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आप किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग करें या किसी गाने की रिकॉर्डिंग करें, वो जो ट्रैक होता है उसमें आप मौजूद होते। आप रिवर्स में जाए तो आपको नजर आएगा 2 मिनट पहले ये कर रहा था, 5 मिनट पहले मैं ये कर रहा था, तो आप मौजूद होते। इस तरह अगर ये पूरी स्पेस में हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ सोचते हैं, वो एक फिल्म की मानिंद है, तो हर ट्रैक के ऊपर हम मौजूद होंगे। एक एक स्लाइड होती है ना, हर स्लाइड पे हम मौजूद होंगे, पॉसिबल। दूसरा सवाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कि ये भी अल्लाह की मखलूक है, जिस तरह फरिश्ते और उसके अलावा अनगिनत मखलूक है जिसके बारे में हम जान भी नहीं सकते। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुछ मौजज़े अता किए थे, एक तो हर जानदार की बोली वो समझते थे, और दूसरा जिन्नात उनके काबू में थे और जिन्नात से वो काम लेते थे। अब इस दौर में जिन्नात का नाम इस्तेमाल करके बहुत बिजनेस चल रहा है, बहुत बड़ा बड़ा, खासकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसमें तो बड़ा कॉमन है, बाबे बैठे हुए हैं, जिन्नात काबू में है, औरत पे जिन आ गया, मर्द पे, इस तरह जिन नहीं आता, ना जिन को इतनी फुर्सत है कि आग पर आए। जिस तरह हमारी एक दुनिया है, उनकी भी एक दुनिया, कभी कभी, डेफिनेटली नामुमकिन नहीं है, कभी कभी होता है कि कोई जिन आ जाता है और वो तंग करता है, शरारत करता है, तो उसको फिर जो जो प्रॉपर ऑथेंटिक आलिम है या आमिल है उसके पास तरीका है जिनको निकाल कर भगाने का। अब आम तौर पर ये बिजनेस के तौर पर, अब हिस्टीरिया औरतों में बड़ा कॉमन है, बिलखसूस जिन खवातीन की शादी नहीं होती उनको हिस्टीरिया होता है, बास की शादी के बाद भी हिस्टीरिया रहता है। हिस्टीरिया के अलावा वहम का शिकार औरत होती है, शक का शिकार औरत होती है, माशरे में औरत इनसिक्योर होती है, जिसकी वजह से ये जो नफसियाती कैफियत तारी होती है, जिसमें शिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, ये जब तारी होती है तो लगता है कि जिन आ गया। समा पे कई साल पहले सनम बलोच आ चुकी है वापस ARY छोड़ के, और कल बाय द वे समा पे वो शो है, वो जिस बच्चे के दोनों हाथ कट गए ना, तो हॉस्पिटल में कल 9 बजे शो है, सिविल हॉस्पिटल में। अब पहले, इससे पहले जब समा पे थी तो हमने कोई 70-80 प्रोग्राम किए, उस सेगमेंट का नाम था, हफ्ते में एक दिन आया था, था वहम या हकीकत। मैं, सनम बलोच टीम और एक बाबा, हम लोग जाते थे उन जगहों पे जहां पे बताया जाता था कि कोई बदरू है, कोई जिन्नात है, कोई दरख्त के ऊपर कोई चीज है, तो हम जाके देखते थे। मुझे यकीन कीजिए, अगर मैं 100 जगह गया हूं तो 99 में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सारा ड्रामा है। दुनिया में बहुत 2 बड़े-बड़े बिजनेस है, और उन दोनों बिजनेस में जो एक चीज कॉमन है वो इंसान का अकीदा है। एक मजहब दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, इवन मगरिब में भी मजहब बहुत बड़ा बिजनेस है, सिर्फ चादर कोई और उन्होंने चढ़ाई है रूहानियत की, वहां मजहब से लोग दूर भागते हैं तो रूहानियत की चादर में बड़े काम हो रहे हैं। तो एक इंसान का अकीदा और दूसरा इंसान का खौफ, खौफ बहुत बड़ा हथियार है पैसे कमाने का। जब कोई खातून या कोई मर्द आता है वो वैसे ही परेशान होता है, किसी को माशी परेशानी है, किसी के घर में नाचाकी है, किसी का बच्चा तंग कर रहा है, किसी की औलाद बात नहीं मान रही, कोई बीमार है, वो वैसे ही परेशान आता है। जब वो परेशान आता है तो सामने बैठने वाला बाबा जो है वो नफसियात जानता है। मैंने अक्सर इन लोगों से गुफ्तगू की, ये जनरलाइजेशन में बात करते हैं, ये जनरल बात करते हैं, और चूंकि आप जवाब देते हो आप स्पेसिफिक हो जाते हो, जब स्पेसिफिक हो जाता है वो पकड़ लेता है किसका असल प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद वो खौफ को लाता है, इस्तेमाल करता है आपको। अब अकीदे को कहां लाता है, आपका अकीदा है जिन्नात पर, क्योंकि कुरान पाक ने कहा है तो हक है जिन है, अब उस अकीदे को वो इस्तेमाल करता है यकीन दिलाने के लिए कि आपके अंदर जिन है,
और खौफ इसलिए दिलाता है कि अगर आपको खौफ नहीं होता जिन का तो आप पैसे नहीं देंगे। मुझे याद है एक फैमिली थी मोहम्मद अली सोसाइटी में, तो एक दिन उनके हस्बैंड मेरे पास आके बैठे थे, उनके घर पे था, तो मैं कभी उनके घर पे आज तक नहीं गया, अल्लाह गवाह। तो मेरे अस्सलाम वालेकुम ड्राइंग रूम में बैठे थे वाइफ हस्बैंड, मैंने घर अपने घर में बैठे बैठे सेंस किया, मैंने कहा आपके घर के साथ आपके मेन गेट के अंदर जो बरामदा आपका या जो भी पार्किंग एरिया है वहां पर एक दरख्त है, प्रॉब्लम उस दरख्त में रहता है। उन्होंने कहा कैसे पता चला, मैंने कहा ये छोड़े, मैंने उनको बोला मुझे तेल की बोतल ला दे सरसों का तेल, और रोज आपको ये करना है कि मगरिब के वक्त एक दिए में थोड़ा सा तेल डालकर उस दरख्त के नीचे जला रहे। उन्होंने सरसों की बोतल ला के दी, हमने उसको रेकी के जरिए मैंने चार्ज किया, मैंने कहा ले जाओ। क्या आप यकीन करेंगे तीन दफा वो बोतल लेके गए, तीन दफा बोतल टूट गई, वो काम कर ही नहीं सके, वो अमल ही नहीं कर सके। अब हुआ ये कि वो जब टूट गई तो वो बेचारे परेशान हो गए कि मोहित साहब तो जो देते हैं वो टूट जाते तेल, वो ने किसी बाबे को पकड़ा। अच्छा बाबे ने पहले दिन तो आके कहा भाई ये है एक काम करो, जितने पुराने कपड़े दे दो इसको मुझे दफन करना पड़ेगा जमीन में कब्रिस्तान, वो कपड़े ले गया। हफ्ते बाद आया, अब सुने सीन देखे, घर के बर्तन दे दो सारे, बर्तन ले गया। दोनों दिन वो खातून घर पे अकेले थी, तीसरी मरतबा आया, जितना सोना है उसके अंदर जिन छुपा हुआ है उस पे अमल हुआ है, सारा सोना दे दो दफन करूंगा, एक महीने बाद निकाल के दूंगा तो सोना साफ हो जाएगा। औरत देने वाली थी, मर्द उस वक्त घर पे था, उसको अकेला ही उसने मुझे फोन किया, उसने कहा सोना मांग रहे क्या करूं, मेरे को खबरदार मत देना कभी भी वापस नहीं मिलेगा आपको, उनका सोना बच गया। और उनके साथ स्टोरी ये थी कि घर के जितनी औरतें थी जो भी शादी करके लड़की आती, जो औरतें उनकी टांग में कोई प्रॉब्लम होता, टांग टूट जाती, पैरालिसिस हो जाता, टांग में ताकत खत्म, बस अजीब गरीब हालत होती थी, कोई डॉक्टर उन्होंने नहीं छोड़ा, न्यूरोलॉजिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन किसी को नहीं पता चला कि क्या प्रॉब्लम। बहुत साल पहले की बात है, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। एक एडवाइस मैंने दी थी, बहुत बड़ा घर था, उसके चार हिस्से थे, चार भाई थे, मैंने कहा इस घर को बेचो यहां से निकल जाओ। उन्होंने कहा जी बाकी भाई माने ना माने, जिस एरिया में ये प्रॉब्लम था वो एरिया उनके पास था, बाकी चार मतलब तीन और थे, तो वो 500-500 गज के चार बंगले थे एक ही कंपाउंड, तो जो दरख्त था वो उनके उनके एरिया में आता था, तो उनको प्रॉब्लम होती थी, उनके घर में जो भी आता था अगर कुछ दिन कोई औरत रह जाए उसकी टांग में प्रॉब्लम होता। Anyway, मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ। अच्छा सबसे पहले तो इस बात से इब्तिदा कर दूं कि आज यौम दिफा और सलाम हमारे उन शहीदों को जिन्होंने अपने खून के जरिए आज हमें जिंदा और सलामत रखा, इस मुल्क को सलामत रखा। अब हम उनका एहसान तो चुका नहीं सकते मगर कोशिश जरूर करें कि पाकिस्तान को हम सलामत रखने की कोशिश करें और बदमाश चोर डाकुओं को निकालें इस मुल्क से, उनसे अपना पैसा खींचे, और जो भी शहीद हुए अब तक सरहदों पे 65 की वॉर उसके बाद और शहीद हुए, और भी लोग सिविलियन भी बहुत शहीद, 65 की वॉर में सिविलियन भी बहुत शहीद हुए। मैं कभी कभी इनकी स्टोरियां पढ़ता हूं तो मुझे हैरत होती है कि ये क्या जज्बा होगा कि बंदा बम सीने पर रख के टैंक के नीचे सो जाए, अपने आप को उड़ा दे ताकि पुल उड़ जाए और दुश्मन दूसरी तरफ ना सके, बड़ी कुव्वत है। तो ये अकीदे और ईमान की ताकत भी बड़ी जबरदस्त है, और इसे कोई एक्सप्लॉइट करे तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लॉइट कर सकता है। एनीवे इन तमाम शहीदों को सलाम हमारी तरफ से। अच्छा जी आ जाते हैं सवालात की भरमार है, मुझे बता देना कितनी टाइम बाकी है भैया। 7:10 पे शुरू किया था और 8:05 पे हम हीलिंग पे जाएंगे। इज्जत है माँ उस्ताद है मोहतरम, वाह क्या लिखा है उर्दू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने 14 अगस्त को इस्लामाबाद में आपसे 4D लेवल 1 किया था और उससे पहले लाहौर में इस रमजान करीम में रेकी सीखी थी। 4D के इख्तिताम पर मैंने एक सवाल पूछा था, आपने फरमाया था कि आपको ईमेल करूं और आप जुमेरात के लेक्चर में इसका जवाब देंगे। अब आप देखें शायद है 14 अगस्त को उस बंदे ने 4D किया था और आज मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। इतना टाइम लगता है, महीना डेढ़ महीना। मेरा सवाल ये कि चक्रा की एग्जैक्ट एक्टिवेशन में दिल का नंबर 4 आता है, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म में गोश्त का टुकड़ा ऐसा है कि अगर वो ठीक हो तो पूरा जिस्म ठीक हो, अगर वो खराब हो तो पूरा जिस्म खराब होता है। सूफिया कराम ने भी हर अमल का महवर दिल को करार दिया और चक्रा 7 है और 7ों पर बराबर फोकस करना पड़ता है। इस्लाम में
دل پہ توجہ مرکوز و یوگا میں سات چکر. آپ مہربانی کر کے اس کی وضاحت فرما دیجیے. اچھا جی, پہلے اس کی وضاحت کر دوں. چکرا کو کہتے ہیں نرو پلیکسی, جو لوگ واقف نہیں ہیں علوم سے. ہمارے جسم میں سینٹرز ہوتے ہیں جہاں نروز آتی ہے اور وہاں سے جنکشن بنتا ہے اور وہاں سے وہ کہیں اور چلی جاتی ہے. اس کو جنکشن, جیسے ایمپریس مارکیٹ جنکشن ہے بسوں کا, اسی طرح لاہور جنکشن ہے ٹرین کا, اس طرح جنکشن ہوتے ہیں. تو جسم میں بہت بڑے بڑے جنکشن ہیں, چھوٹے چھوٹے جنکشن ہیں, سات مین کہے جاتے ہیں. اب یوگا میں ان ساتوں پہ اس لیے فوکس کیا جاتا ہے کہ ان ساتوں کا طاقت تعلق جو ہے وہ اس زمین سے بھی ہے جس پہ آپ چلتے پھرتے ہیں. اس کا تعلق آپ کے جذبات سے ہے, آپ کی ذہنی ارتقاء سوچ اس سے بھی ہے, آپ کی جسمانی صحت سے بھی ہے, عمل تنفس سانس لینے کا جو عمل ہے اس سے بھی ہے, اور آپ کے برین سے سوچ وغیرہ سے بھی, نظریات سے بھی ہے. مگر جہاں تک دل کا تعلق ہے تو قلب وہ جگہ ہے, یہ انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کی اس کو سمجھے, جو گوشت کا لوترا ہے وہ دل ہے. اور آپ سب جانتے ہیں میڈیکل سائنس میں کہ اگر دل کام نہ کرے تو جسم گیا, کیونکہ دوران خون برین کو نہیں پہنچے گا, وہ بھی گیا, انسان پورا ختم ہو گیا. مگر جس کی بات روحانیت میں ہے وہ ہے قلب کا ایریا. اور قلب اور دل میں فرق ہے, قلب کوئی چیز نہیں ہے, کوئی فزیکل چیز نہیں ہے دل کی طرح, یہ ایک مقام ہے, ایک ایریا ہے جہاں پر روح رہتی ہے. صوفیاء کرام اس کو کہتے ہیں روح کا مسکن. تو جب ہم دل پہ فوکس کرتے ہیں بیسکلی, تو ہم فزیکل دل پہ فوکس نہیں کر رہے, ہم قلب پہ فوکس کر رہے ہیں. اور صوفیاء کرام بھی اس پہ فوکس کرتے تھے, اور صوفیاء کرام اور بھی چکراس پہ فوکس کرتے تھے, مگر صوفیاء کرام کے جو چکراس تھے وہ سارے کے سارے دل کے اطراف اور سر, صرف اتنا ہوتا تھا. اور یوگ کے اندر دل سے نیچے اینڈ تک, ریڑھ کی ہڈی کے نیچے تک کے جتنے چکراس, اس پہ فوکس کیا جاتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ یوگ کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ جو ہماری اسپائن ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کو یہ میرو ڈنڈ کہتے تھے. میرو مائتھولوجی میں, مائتھولوجی سمجھتے ہیں نا, جو مائتھولوجی ہوتی ہے قدیم داستانیں جس کو کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہیں گے, قدیم کہاوتیں, اس کے اندر یہ جو ماؤنٹن تھا یہ دنیا کا سینٹر سمجھا جاتا تھا. اور ہمارے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہمارا سینٹر ہے, کیونکہ ساری نروز اس میں جاتی ہے. اور آپ کا جو فرسٹ چکرا ہے وہ آپ کا سینٹر ہے باڈی کا, ہر چیز کا ایک سینٹر ہوتا ہے. تو باڈی کا سینٹر آپ کا فرسٹ چکرا ہے, پہلا چکرا جو ریڑھ کی ہڈی کی بالکل آخری ہڈی ہے اسے فرسٹ چکرا کہتے ہیں. تو دونوں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, ڈیپینڈ کرتا آپ کو کیا حاصل کرنا ہے. یوگا میں چونکہ جسمانی صحت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, ذہنی صحت بھی امپورٹنٹ ہے, جذباتی صحت بھی امپورٹنٹ ہے, اس لیے تمام چکراس پہ فوکس کیا جاتا ہے. مگر جب ذکر الہی ہو اور صرف روحانیت ہو تو پھر قلب یا قلب سے اوپر کوشش کی جاتی ہے ذکر کرنے کی. دوسرا سوال ہے, سر انسان ایک وقت پر بہت کچھ ہے, اللہ کی ذات نے اسے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے, انسان عالم ملکوت میں ایک فرشتہ ہے, جبروت میں کچھ اور لاہوت میں کچھ اور. علامہ اقبال نے فرمایا, تائے ہوتی اس رس سے موت اچھی, جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. بڑا مشہور ہے, مجھے اس سفر میں میرا ماضی بہت تنگ کرتا, آگے بڑھنے کی بہت مشکل پیش آتی ہے, میں اپنا اندر جانا چاہتا ہوں تو ماضی باہر لے آتا ہے, مجھے بتائیے ماضی سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے. بھیا زبیر صاحب آپ کے سوال ہی ایک طرح سے, کہاں گئے زبیر صاحب؟ زبیر صاحب نے جو سب کانشیس کی بات کی تھی, ماضی کا تعلق سب کانشیس سے, تمام یادیں, تمام پچھتاوے, تمام خوف, تمام تکلیفیں, تمام دکھ, تمام درد, یہ سب کے سب آپ کے تحت شعور میں, اس سے جان چھڑانا آسان نہیں ہے. اور اگر چھڑانا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں سیکھیں, اس کے بعد اس سے جان چھوڑیں. اگر آپ لوگوں نے وہ لیکچر سنا ہو جس میں نے شعور کے درجات پہ بات کی تھی, جس میں عالم لاہوت ہے, عالم ہوت ہے, ان تمام پہ بات کی تھی کہ کس طرح جب شعور کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ سکتی, یا وہ چیزیں سمجھ میں آتی جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتی. پچھلا لیکچر ہے, کچھ عرصے پہلے دیا تھا, اس کو دیکھ لیجیے گا. میں آگے بڑھتا ہوں, آج کوشش کرتا ہوں جتنا نپٹا سکوں. سب سے زیادہ مشکل آتی ہے جب کوئی مجھے رومن میں لکھ کے بھیجتے ہیں, تو وہ پڑھنا بڑا مشکل ہوتا. اب یہ رومن شروع ہو گیا جی. میری ایک ہی مخلص بہن چھوٹی شادی شدہ ہے, میں جب بھی اپنی کوئی خوشی یا نفی کی بات
उससे करती हूँ तो वो नफा या खुशी मुझ पर बंद हो जाती है या खराब हो जाती है। अब अगर मैं बहन से भी दुख सुख ना करूं तो किससे करूं? मेरी बहन में ये बात जरूर है, वो मेरी हर बात के साथ खुद को बराबर करती है, हालांकि अच्छा खाती पीती है मगर लाइफ स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है। मेरे पास मसले बहुत हैं मगर मेरा लाइफ स्टैंडर्ड उससे बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब हो सके तो थर्सडे लेक्चर में इसका जवाब दें कि और भी लोग सुन सके और अपनी गलतियां दुरुस्त कर सके। मैं इंतजार करूंगी आपके लिए, दुआ कहूं नौरीन फ्रॉम इस्लामाबाद। नौरीन, ये आपका वहम है कि आप अपनी बहन से कोई बात शेयर करती है, अक्सर बड़ा कॉमन है कि जी मैंने बता दिया तो अब मेरा कामयाबी बंद हो गई, मैंने बताया जी मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है तो अब मेरा कारोबार बंद हो गया। ये आपका वहम है। किसी शख्स को बताने से ये जरूर हो सकता है उसको हसद हो, ये हो सकता है, मगर जो रिस्क आपके लिखा जा चुका है, आपने कहीं एफर्ट किए थे, वो लिखा जा चुका है, वो आपके पास आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। तो ये बहन को निकाल दें, और अगर आपको लगता है कि आपकी बहन को बात करने से आपकी कामयाबी रुक जाती है तो छोटा मोटा सदका दे दिया करें, जब कभी बहन से बात करें वापस घर आए थोड़ा बहुत सदका दे दिया, किसी गरीब गुरबा को खाना खिला दिया, परिंदों को दाने डाल दिए, मछलियों को कुछ खुराक दे दी, कोई भी ऐसी चीज जो आप कर सकते हैं वो जरूर कर लें, तो फिर ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आप लोगों के कभी सुना नहीं होगा आपने, बड़ा इंटरेस्टिंग है माशाल्लाह। अच्छी बात ये कि ये लेक्चर सुनते सुनते लोग बड़े उनके जहन ऊपर और गहराई दोनों में जा रहे हैं। सर, कश्फ समा आपके इल्म के मुताबिक क्या है? कश्फ समा से कैसे कोई इस कायनात में सदियों से बिखरी आवाजों को सुन सकता है? क्या इस मरहले पर, या ये किस मरहले पर आता है? समझे आप मेरी बात। साइंस कहती है कि तीन चीजें कभी भी खत्म नहीं होगी, तबाह नहीं होगी, एक आवाज, एक सोच या ख्यालात, और दूसरा हरकत। ये स्पेस के अंदर मौजूद रहती है, इस खला स्पेस। अभी मैं पिछले हफ्ते नीपा में ट्रेनिंग दे रहा था इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ग्रेड 19 में जो जाने वाले उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, उनमें से एक साहब ने मेरे पास आए, वो पता नहीं लैब में है, बड़ी इंटरेस्टिंग। बाज दफा ब्यूरोक्रेसी में भी आपको बहुत सुलझे हुए बड़े बाशऊर लोग मिल जाते हैं, बहुत अच्छा। तो उन्होंने मुझसे आके कहा कि सर ये बात फैक्ट है कि ये जो आवाज और ये जो तस्वीरें हैं जो माजी में है मौजूद, क्या ये किसी पर्दे पे लाई जा सकती है? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हाँ, इस पे कुछ काम शुरू हुआ था। काम ये था कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए कि अगर ये तीनों चीजें हर इंसान की जो दुनिया में पहला आया उसकी मौजूद है स्पेस में, और किसी तरह कोई मशीन, कोई इक्विपमेंट, कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट हो जो इसको ग्रैब कर सके और उसे कन्वर्ट कर सके साउंड में और पिक्चर में, तो हमें ये पता चल जाएगा कि असल में नेपोलियन कैसा था, मिसाल के तौर पर उसकी आवाज कैसी थी, हमें जो नेपोलियन बताया जाता है वो सही है या असल में वो कोई और था, हिटलर कैसा था। तो दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी नामवर शख्सियतें गुजरी है वो पूरी आपके सामने आ जाएगी, ये क्या, मगर उसमें कुछ एथिकल इशूज आ रहे हैं, और एथिकल इशूज रिलीजन के आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो फंडिंग चाहिए वो बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए, वो फंडिंग नहीं मिल रही साइंसदानों का, तो वो प्रोजेक्ट ऐसा का ऐसा बैठा हुआ है। आई एम श्योर साकिब वगैरह ने भी देखा होगा, साकिब बड़ी सर्च करता है। तो अब ये जो कश्फ समा है, कश्फ का मतलब समझते ना, कश्फ एक स्टेट होता है कि जो इंसान पर तारी होता है। सूफिया कराम बड़े सालों तक मश करते, जिक्र करते, मराकबा करते, उसके बाद वो कश्फ के मराहिल तय करते हैं बतदरीज। चूंकि हम टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमें बरसों नहीं चाहिए, हम चंद दिनों के अंदर उन मराहिल को टच करते हैं, मगर हमारी एथिकल और मॉरल ट्रेनिंग नहीं हो सकती। मैं मिसाल दूं आपके, फॉर एग्जांपल ये साहब बैठे हैं, ये 5 साल मिसाल के तौर पर मेडिटेशन कर रहे हैं, रोज बैठते हैं, दिन में 2 दफा मराकबा करते हैं, जिक्र करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। इनको 5 साल के बाद ये कुव्वत हासिल होती है कि वो यहाँ बैठे बैठे किसी शख्स के बारे में जान लिए। आप 3 दिन के बाद आपके अंदर ये सलाहियत पैदा होती है जो ये 5 साल के बाद होती है, मगर फर्क ये है कि 5 साल का जब ये वक्त गुजारते तो इसमें उनकी इसलाह होती है, इखलाकियात की इसलाह हो सकती है,
गुस्सा कंट्रोल में आता है, जब्त आता है, सबर आता है। 3 दिन की ट्रेनिंग में ताकत तो आपके पास आ जाती है, अगर आपका माहौल सही नहीं है तो फिर आप उसे गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब कोई वर्कशॉप करे रिपीट क्या करें, ताकि हमारा ताल्लुक आपसे रहे, हम आप पर नजर रखें कि आप इखलाकी इकदार आपकी सही है कि नहीं है, जिस जो चीजें सीखी है उसको सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये कश्फ का एक मरहला वो आता है जब वो आवाजें जो इस कायनात में मौजूद है वो इंसान सुन सके। अच्छा, बाज दफा आपकी ब्रेन केमिस्ट्री में जब तब्दीली आती है तो कुछ लम्हात के लिए आप ऐसी आवाजें सुन लेते हो जो आम इंसान नहीं सुन सकता या मुमकिन नहीं है उसका सुनना, उसका ताल्लुक माजी से होता है, मगर वो फिर डिसऑर्डर है ब्रेन का, क्योंकि वो फिर आप रोजमर्रा जिंदगी से कट जाते हो, फिर आप एब नॉर्मल हो जाते हो, तो आपको नॉर्मल करने के लिए फिर आपकी इलाज करना पड़ता है। तो कभी कभी ये कैफियत तारी होती है जिसको बाज दफा फिर लोग कहते हैं इसमें जिन आ गया। तो ये आवाज है आकाश में, कायनात में मौजूद है कयामत तक, जब तक ये पूरा सिलसिला रैप नहीं हो जाता। भाई एक डब्बा खुला, उसमें से सब कुछ निकला, फिर एक वक्त आएगा अल्लाह इस सबको बंद कर देगा और सब गायब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ना अंधेरा होगा, ना रोशनी होगी, ना वक्त होगा, ना स्पेस होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब गायब हो जाएगा, जिसको हम आखिरत कहते हैं। अब क्या ये इस प्लैनेट पे गायब हो जाएगा, ये पूरी कायनात गायब हो जाएगी, नोबडी नोज़ दैट। ठीक है जी, मेरी जाती राय है कि शायद ये प्लैनेट खत्म हो जाए, ये धरती सरजमीन खत्म हो जाए, और इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता और प्लैनेट्स खत्म होंगे तो हमारी कयामत तो आ गई। वैसे तो कहते हैं कयामत आ जाती है जब आप शादी करते हैं, तो पहली कयामत उस होता है। एनीवे 15 मिनट है, अच्छा जी जल्दी जल्दी करो। सर कयामत का मतलब एक आदमी सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, और अल्लाह रह जाएंगे। वो तो वो वक्त है ना कि जब तमाम प्लैनेट आकाश स्पेस टाइम सब खत्म, जब कुछ ना था तो खुदा था, जब कुछ ना होगा तो खुदा होगा, तो वही भी होने ना होने होता है। तो अब ये तसव्वुर नहीं आ सकता, हम कंसेप्चुलाइज नहीं कर सकते कि वो कौन सा मौका होगा, मरहला होगा कि जब कुछ ना होगा खुदा होगा, कंसेप्चुलाइज नहीं कर सकते। चूंकि कंसेप्चुलाइज नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, हमारे पास ना होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास कॉन्सेप्ट पता है क्या है, ए और बी। हम ए और बी के बारे में सोच सकते हैं, यानी इब्तिदा और इंतहा के बारे में सोच सकते हैं, मगर जिसकी कोई इब्तिदा ना हो, जिसकी कोई इंतहा ना हो, वो हम प्रोसेस नहीं कर सकता हमारा ब्रेन, क्योंकि हमने हर चीज को होते देखा है और खत्म होते देखा है। यानी पौधा आता है जमीन में से, फिर वो दरख्त बनता है, फिर कभी खत्म हो जाता है, इंसान पैदा होता है, जिंदगी गुजारता है, मर जाता है, वो होते देखा है। तो ए और बी दो पॉइंट के दरमियान ये जिंदगी जो हम देखते हैं उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, मगर ला महदूद को हम नहीं कर सकते, महदूद को प्रोसेस कर सकते। नेक्स्ट, हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, बिकॉज आई ऑलवेज हैव ब्लाइंड फेथ दैट दिस टाइम माई प्रेयर विल आंसर, बट व्हेन टाइम कम्स आई ऑलवेज गेट डिसहर्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस माई बिलीव बिकम्स वेरी वीक, सो काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कह रहे हैं कि हर दफा उम्मीद होती है कि काम करेगा मगर काम नहीं करता, दुआएं मेरी काम नहीं करती तो मैं ना उम्मीद हो जाता हूँ या हो जाती है। नाम लिखा है खातून अक्सर सिराज। अक्सर पहले तो ये समझे कि अगर आपको फल चाहिए, फसल चाहिए, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट ये कि जमीन जरखेज हो, आप ऐसी जमीन जो बंजर हो उस पर आप जितनी भी मेहनत कर ले उस पर कुछ नहीं होना। आप यही काम कर रही है कि आप मेहनत तो बड़ी कर रही है, जहन की जो सरजमीन है वो बंजर है, उसको जरखेज होना जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह हर एक के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता तो दुनिया में तो बड़ी तबाही आ जाती। एक लड़की, उसको 4 लड़के पसंद करते हैं, चारों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे तो वो लड़की या तो 4 हिस्सों में डिवाइड होती, कैसे होता। एक आदमी स्टॉक एक्सचेंज में कमाता है, उसी में दूसरा हारता है, गंवाता है पैसे, अगर सारे कमाने लगे तो ये मुमकिन नहीं है ना। तो निजाम समझे अल्लाह ताला का क्या है, जमीन का जरखेज होना पहले जरूरी है। जब जमीन जरखेज हो जाए तो सही वक्त पे उसे खोदा जाए, सही वक्त पे सही बीज, बीज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा बीज जिसमें कुव्वत हो, ताकत हो, वो डाला जाए, फिर जमीन को बंद किया जाए, फिर उसको जो भी लवाजमात है, पानी देना, फर्टिलाइजर डालना, और फिर सबर इस यकीन के साथ कि फल जरूर मिलेगा। ये फैक्टर्स हैं
कि जिसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो जमीन का जरखेज से मुराद है जहन के अंदर वो कुव्वत डेवलप करनी होगी कि जहां किसी इमेज को लेकर, किसी तसव्वुर को लेकर कुछ देर तक जहन उसको कायम रहे, उसके ऊपर फोकस रखे, और फिर एतकाद और ईमान की कुव्वत, इमोशन और फीलिंग के हवाले से वो इस इमेज पे डाली जाए, और फिर यकीन किया जाए कि ये हो रहा है या हो चुका है, और उसके बाद वो आपको मिल जाएगा। तो ये लंबा प्रोसेस है, इस तरह नहीं होता। नेक्स्ट, व्हेनेवर वी लिसन समथिंग व्हिच हर्ट्स आवर ईगो, वी आर अनएबल टू असेस और एनालाइज एंड सडनली वी रिस्पॉन्स इन अ नेगेटिव वे। जब हम कोई ऐसी बात सुनते हैं तो हमारा ईगो हर्ट होता है, जिससे हमारा ईगो हर्ट होता है, हमारी नफ्स हर्ट होती है, हमारी अना मजरूह होती है, हमारा प्राइड मजरूह होता है, तो इंस्टेंटली हम रिएक्ट करते हैं, हम सोचते नहीं, एनालाइज नहीं करते। आप में से जिन लोगों ने एनएलपी किया है, साकिब ने किया, में से कुछ लोगों ने किया, उसमें एक मैं चीज सिखाता हूं, एवरी स्टिमुलस कॉजेज अ रिस्पॉन्स। स्टिमुलस कहते हैं मोर्रिका, आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आपने किसी चीज को छुआ, आपने कुछ सूंघा, आपने कुछ चखा, ये आपके पास आया और आपने रिस्पॉन्ड किया, उसका जवाब दिया, जवाब चुप होकर भी दिया, लड़के भी दिया, गुस्सा करके दिया, प्यार से दिया, नफरत, जो भी जवाब दिया, जो आपका जवाब है वो फिर उस शख्स के लिए या उस चीज के लिए जो आपके पास आई उसके लिए स्टिमुलस बन गया, वो आप जवाब देगा वापस या जवाब देगी, फिर आपके लिए आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान हम फंसे हुए। अगर आपको इस चक्कर से निकलना है तो आपको अपना रिस्पॉन्स चेंज करना पड़ेगा। कई दफा, इनफैक्ट परसों में पेशेंट देख रहा था, खातून भी मेरे पास आई, और मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं देखता पेशेंट को, बास को तो 3-4 मिनट में ही फारिग हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इतना सुनाने का नहीं होता, प्रॉब्लम बड़ा जरूर होता है। उसने एक बात कही, इसको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा ये बताइए क्या आवाज से आपको होता है? उसको पहले ख्याल नहीं था, मैंने कहा सोचे आवाज है ना, अगर ऊंची आवाज हो, अच्छा वही आवाज अगर धीमी हो तो? कहती है अगर आवाज ऊंची हो तो होता है। तो कई दफा आवाज का वॉल्यूम, कई दफा कंटेंट, वो जो गुफ्तगू है उस गुफ्तगू में मवाद किया है, कई दफा वो करता है, दोनों चीजें। तो अब रिस्पॉन्स आपके इख्तियार, किसी की कोई बात कही आपको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आने से पहले एक वक्त होता है जब आप सोचेंगे गुस्सा किसको आना चाहिए, नफ्स को? तो मैं तो नफ्स नहीं हूं, मैं तो नफ्स नहीं हूं, मैं तो कुछ और हूं, नफ्स मेरे पास है, तो ना मुझे खुशी होती है, ना मुझे अफसोस या गम होता है, वो सब नफ्स को होता है, और कुल नफ्स जायको तो मौत, नफ्स को एक दिन मौत आनी आनी है, मगर मैं तो अलग हूं ना, मैं नफ्स से अलग नहीं, मैं नफ्स नहीं हूं, मैं ये समझता हूं कि मैं नफ्स हूं। अगर इस चीज पर थोड़ा गौर फिक्र करें तो उम्मीद करते हैं कि इससे फर्क पड़ेगा। एक तरीका और भी है कि कोई पर्टिकुलर आवाज अगर आपको तकलीफ देती है, आपका ईगो हर्ट होता है, कई दफा वालिद ने कोई बात कह दी, कई दफा माए को ऐसी बात कह जाती है जो बच्चे को हर्ट करती है, उसकी ईगो को हर्ट करती है, या बाज दफा शौहर कोई बात करता है तो बीवी हर्ट होती है, बीवी कोई बात करती है तो शौहर हर्ट होता है, इंसान रिश्तों में होता है, तो उस वक्त फौरन से कोई फेवरेट पर्सन जो आपका हो, जिससे आप बेताशा पसंद करते हो, कोई फिल्म का हीरो हो, कोई ड्रामे का हीरो हो, कोई बहुत बड़ी सियासी शख्सियत हो, कोई रूहानी शख्सियत हो, उस वक्त एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि ये जुमले वो अदा कर रहा है या कर रही है, इंस्टेंटली आपका गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा जी, मुझे बता देना कब खत्म करना, अभी तो 2 पेज बाकी है, हो गया टाइम? आखिर में 2-3 मिनट हीलिंग के लिए भी चाहिए। अच्छा जी, सलाम सर जी, हर चीज का एक सेंटर पॉइंट है और कुरान पाक का सेंटर पॉइंट सूरह यासीन है, अपने इल्म की रोशनी में थर्सडे लेक्चर में जवाब इनायत कीजिएगा, जजाक अल्लाह, राबेल सज्जाद। सेंटर पॉइंट किस चीज का है? हर चीज जो पैदा होती है, निकलती है, वो एक सेंटर पॉइंट से होती है। अगर आप देखें कि इस कायनात का कोई सेंटर पॉइंट है, वो जगह है जहां अल्लाह ताला का तख्त है, अब अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, मगर एक सेंटर पॉइंट मेवर होता है एनर्जी का, यानी वहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है। इसी तरह दुनिया का एक सेंटर पॉइंट है अर्थ का,
इसी तरह अर्थ के नीचे अर्थ का एक कोर है, उसका एक सेंटर पॉइंट है, हमारे जिस्म का मैंने बताया स्पाइन जो है उसके नीचे का हिस्सा सबसे ज्यादा वो सेंटर पॉइंट है, वो बिगड़ जाए तो बैलेंस नहीं हो सकता। अब इसको अगर एक बड़े जाविये में देखें तो सेंटर पॉइंट क्या होता है, आप कोई भी मखलूक अल्लाह ताला की ले लें, चाहे वो बेजान हो या जानदार हो, उसके अंदर चले जाते जाए जाते जाए, अगर जानदार है तो सेल्स, सेल से नीचे जाए मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से नीचे जाए एटम, एटम के अंदर जाए, या बेजान चीजों डायरेक्ट आप मॉलिक्यूल में जाए, जैसे पानी है, पत्थर है, मट्टी है, रेत है, उसके अंदर जाए तो उसमें भी आप एटम में पहुंचेंगे। एटम के अंदर एक सेंटर पॉइंट क्या है, उसका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटोन है और एक न्यूक्लियस है, और उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और वो मुसलसल घूम रहा है नॉन स्टॉप। कमाल की कैलकुलेशन है कि ना वो जरा सा लेफ्ट जाता है ना जरा सा राइट जाता है, वो उसी महवर में घूम रहा है, वो महवर उसका सेंटर पॉइंट है। तो इसी तरह सूरह यासीन जो है वो कुरान का महवर पॉइंट है, और इसमें बड़ी हिकमत है इस सूरह में, रोज सुना करें, खाली सुने मत, समझे, गौर व फिक्र करें उसके ऊपर, बड़ी हिकमतें हैं। और उसके अलावा खाली सुनेंगे तो बरकत तो है अपनी जगह पे, मगर अल्लाह ताला बरकत के अलावा कुछ हमसे चाहता है, वो चाहता है कि हम समझें जो उसका पैगाम है, और वो जो असल काम है हमें करना है इस दुनिया में वो हम करें। एनीवे, नेक्स्ट सवाल, ये वही लगता है, कहाँ गए भाई, आज जो तुमने सवाल पूछे उसी किस्म के आ रहे हैं। सर, इट इज सेड दैट सबकॉन्शियस माइंड लूजेस इट्स कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंसेस आवर कॉन्शियस माइंड, अवेयरनेस इंक्रीजेस विद मेडिटेशन, so if we meditate regularly to become more and more conscious of life, do we still need to reprogram our subconscious mind with affirmation, or do we really need to train our subconscious mind when at the same time we are sharpening our awareness to live in reality? Bada simple hai ye, ki keh ye rahe ki agar hum maraqba kare, bahut arse tak mash kare, mehnat kare, to kya hamare conscious mind ke andar itni awareness paida ho jayegi ki hum har cheez awareness ke sath kare, to phir hamare subconscious ke mein जरूरत नहीं है उसको ताबे करना आपने या कंट्रोल करना। आप जितना भी करें सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस रहेगा। आप लोगों के पास कंप्यूटर है, जो प्रोफेशनल लोग हैं बैंकों में वगैरह काम, जब आप किसी चीज पे काम करते हैं तो एक ऑटो सेव का ऑप्शन होता है, ऑटोमेटिक कहीं और ये फाइलें सेव हो रही होती। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जासूसी स्पेशली CIA इंटेलिजेंस पुलिस के अंदर बाहर के मुल्कों में आपको पता भी नहीं होता वो फाइलें ऑटो सेव होती है। तो सब कॉन्शियस में हर चीज ऑटो सेव होती है। कॉन्शियस माइंड में कोई चीज अगर आप रिपीटेड करते हैं तो आपको याद रहती है, कुछ अरसे के लिए छोड़ दी तो आप भूल जाते हैं। जैसे टेलीफोन नंबर, अब तो खैर आपको याद भी नहीं होता क्योंकि अब स्मार्टफोन आ गए, जब वो डायलिंग वाला फोन था उस वक्त सबको नंबर याद थे कुछ मखसूस लोगों के। तो मराकबा करने से भी सब कॉन्शियस कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं आता, सब कॉन्शियस को कंट्रोल करने में सब कॉन्शियस में जाना पड़ता है। This is how you control your subconscious mind. Until unless you go, you cannot control your subconscious mind. एक और सवाल है, जब जिंदगी में कुछ समझ ना आ रहा हो तो इंसान क्या करे? लोगों के सवाल आते, ये मुश्किलात भी होगा कोई शख्स, बहुत दफा चीजें समझ में नहीं आती, वाई तो समझ में नहीं आ रहा तो समझने की कोशिश करें। दूसरा, ऐसे लोगों में उठे बैठे जिनकी सोबत से, जिनकी संगत से आपको जिंदगी के बारे में कुछ मुफीद मशवरे मिल सके जिंदगी समझने के लिए। कहते हैं दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं जो जिंदगी जीते हैं और एक होते हैं जो जिंदगी गुजारते हैं। अक्सर जिंदगी गुजारते जीते नहीं, जीता वो है जिसमें अवेयरनेस शऊर हो, जिंदगी जीने के लिए भी गुजारने के लिए भी, तो इसीलिए लिविंग और एग्जिस्टेंस में बड़ा फर्क है। मोस्ट पीपल ओनली लिव, few exist, for exist you need to, sorry, mostly exist, few live, so existence तो बड़ा आसान है ना, आपने सब पानी के भाव के साथ बह रहे, दुनिया बह रही है, सब रिश्वत ले रहे, हम भी रिश्वत ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। कुछ ऐसे कहते हैं नहीं जी मैं पानी के भाव के खिलाफ जाऊंगा। अक्सर लोग उसी रास्ते पे चलते हैं जिस पे पहले कोई चल चुका हो। कुछ ऐसे होते हैं निर्दल लोग जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, नया रास्ता, इसको कहते हैं जीना। एग्जिस्टेंस तो हर कोई करता है। आखिरी सवाल है, उसके बाद आई थिंक टाइम नहीं होगा। दौलतमंद इंसान को बुरा कैसे ना कहे? ये बड़ा जबरदस्त इन्होंने जुमला कहा है, क्यों ना कहे कि वो आपका हक जब्त कर चुका हो प्रॉपर्टी की सूरत में, सैलरीज की सूरत में या पार्टनरशिप की सूरत में,
इंसान की कोई आदत भी बन जाती है सबसे बुरा देने की, सब पता नहीं क्या है। जब आप कहते हैं कि दौलतमंद इंसान को देखकर सुभान अल्लाह कहो, इन्होंने मुझे सवाल किया, हम अक्सर कहते हैं कि किसी को दौलतमंद देखो तो ये ना सोचो साले ने कमाई होगी पैसे, रिश्वत से, हराम का पैसा होगा, ये ना कहो। अब इस खातून को सिर्फ इतना सा जवाब है कि अगर एक ही हस्ती है, एक ही हस्ती, अल्लाह वाहिद, अल्लाह ही एक हस्ती है जो रिस्क भी देता है, इज्जत भी देता है, जिल्लत भी देता है, शिफा भी देता है, जब वही सब कुछ है तो दौलतमंद को उसने दौलत क्यों दी? जब उसने दी तो आप कौन होते उसको बुरा कहने वाले? वो चोर हो, वो डाकू हो, वो कोई भी हो, आप उसे बुरा नहीं कह सकते। आप तो उस इनायत को जो रब ने उसे अता की है आप उस पर कहते हो सुभान अल्लाह। वो जाने, उसके कर्म जाने, मरने के बाद उसने खुदा को कब्र में जवाब देना है, हम नहीं कह सकते। ये याद रखें, ये प्रिंसिपल है माइंड का। अगर आप किसी को देखकर कहते हो डर्टी मनी, गंदा पैसा, तो आपके पास जिंदगी में पैसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप पैसे को गंदा समझते हो। दूसरों के पास पैसा गंदा, अपने पास पैसा साफ, ये कैसे हो सकता है? तो दौलतमंद को बुरा भला मत कहो। हाँ, अगर वो करप्ट है तो उसको आप एहतसाब करो, उसको लाओ कोर्ट के अंदर, उसका हिसाब किताब करो, मगर आपको कोई हक नहीं है कि इसी दौलतमंद को बुरा कहने। होता ही है कि चंद दौलतमंद दुनिया में बड़ी तबाही मचाते हैं। कुछ बॉसेस ऐसे हैं जो सैलरियां खा जाते हैं अपने एम्प्लॉइज की, कुछ जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं, और ये डेफिनेटली बड़ा कॉमन है, मगर हर दौलतमंद ऐसा नहीं होता। मग़रिब में भी बहुत दौलतमंद लोग हैं, आपने बड़े लोगों के नाम सुने होंगे, अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी कमाई उन्होंने चैरिटी में दे दी। आज दुनिया में जो बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं, चैरिटियां कहाँ से आ रही है? उन दौलतमंद की वजह से। माइक्रोसॉफ्ट का, एप्पल का ओनर, इन्होंने अपनी पता नहीं कितनी पैसे चैरिटी में दे दिए। तो दौलतमंद की वजह से दुनिया में बड़े फायदे हैं, भूखों को खाना मिलता है, गरीबों को मुफ्त दवाइयां मिलती है, रिसर्च में बहुत सारा पैसा जाता है, जिसकी वजह से बेहतर जिंदगी होती है। तो हमें कोई हक नहीं है किसी को बुरा भला कहने की, ये दौलतमंद हो उसकी दौलत उसको मुबारक। मुझे तो फोकस करना है, मेरे पास पैसा हलाल से आता है, हराम से, मैं उस पर फोकस करूं, मैं उसको बुरा भला क्यों कहूं? ठीक है जी, एक आखिरी सवाल रहे कि अगले हफ्ते कर लेंगे हम। दोस्तों, एक तो रिक्वेस्ट ही थी आपसे, शायद अगली जुमेरात को ये जो महफिल यहाँ पे होती है ना हो, शायद, क्योंकि मैं बुध को जा रहा हूँ दुबई, और 3 दिन 13, 14, 15 को सिल्वा है दुबई के अंदर, तो जाहिर है वो सुबह से शाम तक होगा। जुमेरात को मैं वहाँ होऊंगा तो मैं यहाँ नहीं होऊंगा, मगर लेक्चर होगा लाइव दुबई से होगा, मगर ये महफिल जो हमारी होती है माशाल्लाह इतनी बड़ी महफिल ये नहीं होगी। मगर आपको व्हाट्सएप का मैसेज मिल जाएगा, दुबई वालों का कोई भरोसा नहीं, ये मैं आपको पहले ही कह चुका लेक्चर से पहले, हमें आखिरी मोमेंट तक कुछ पता नहीं होता। तो अगर नहीं हो सका तो मैसेज आ जाएगा कि जी लेक्चर है और यहाँ पे आप लोग तशरीफ ले आइएगा, नहीं तो सिर्फ आपको आएगा लाइव फ्रॉम दुबई, तो आप समझ जाएगा कि जुमेरात को आने की जरूरत नहीं। हम एज यूजुअल अपना हीलिंग करते हैं, एक दो मिनट लोगों से गुजारिश है, हीलिंग को समझे, ये लाइव होना जरूरी है। अगर इस वक्त मेरा वाईफाई, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, अगर मेरा इस वक्त वाईफाई बंद हो जाए तो मेरे पास तो सिग्नल नहीं आएगा, तो जब मैं हीलिंग करता हूँ तो एक सिग्नल भेज रहा होता हूँ। अगर आप इस वक्त हीलिंग नहीं कर सकते तो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो को देखकर हीलिंग नहीं होगी। तो जब जरूरत हो हीलिंग की तो बराए करम टाइम निकाला करें, जुमेरात को एंड में कुछ देर खोल लिया करें फेसबुक और लाइव देख लिया करें उसको। अच्छा, अगर आप बीमार हैं आप अपने जिस्म पर हाथ रखें, अगर आपको समझ नहीं आता कहाँ मैं रखूँ हाथ, क्योंकि बीमारी बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर में पता नहीं होता कहाँ रखूँ, तो आप अपने सीने पर हाथ रखें। अगर कोई और बीमार रिश्तेदार अगर घर में मौजूद है उसके सीने पे हाथ रखें, उसको लिटा दें सीने पे हाथ रखें, अगर वो दूर है तो उसका तसव्वुर करें और अपने सीने पे हाथ रखें। ठीक है, बिस्मिल्लाह, उसके बाद दुरूद पाक, और उसके बाद पूरी तवज्जो से ये हीलिंग में देता हूँ, उसको रिसीव कीजिए। आबाद रहे, शाद रहे, खुश रहे, परवरदिगार आपको जिंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे कि खुशियाँ दूसरों में बांटे, पाकिस्तान पाएंगे।